भारत के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज फ्रांस से भारत के लिए राफेल लड़ाकू विमान रवाना हो चुके हैं। पहले जत्थे में 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत आ रहे हैं। राफेल विमान बुधवार को हरियाणा के अम्बाला एयरबेस पर पहुंच जाएंगे। राफेल के भारत आने को लेकर रिटायर्ड एयर मार्शल रघुनाथ नामियार का कहना है कि यह भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 18 साल से कोई नया फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ है। अंतिम फाइटर एयरक्राफ्ट 2002 में सुखोई 30 MK आया था। 18 साल के बाद एक आधुनिक फाइटर विमान भारत में हमारे पास आ रहा है। तो दोस्तों, ये बेहद ही खुशी की बात है कि हमारी भारतीय सेना राफेल के साथ और भी सशक्त होने वाली है। तो दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।